नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अभी आप सभी को सबसे ज़्यादा जो इंतजार था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन जारी होने का। और लगातार देखा जाए तो 1 महीने पहले से आयोग ने आपको कहीं ना कहीं सिग्नल दे दिया था कि जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होगा उसमें आपका क्या आ जाएगा, समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आरओ का। हालांकि पहले सप्ताह में तो नहीं, बट इन्होंने सप्ताह के अंत तक ये बता दिया कि हम 9 तारीख तक निकाल देंगे और 9 तारीख को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ये नोटिफिकेशन खिलखिलाता हुआ आ गया है। और अब आप इसका आवेदन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये वो फॉर्म है जो आपकी जिंदगी को एकदम बदलने वाली है। ये वो फॉर्म है जिसकी तैयारी करने के लिए बच्चे लालायित रहते हैं और इसमें सफल होने का सपना सबका होता है। ये एक ऐसे पद है जो ऐसा बच्चा चाहता है कि कहीं सचिवालय में उसके उसके पूरे लाइफ में एक जो पद है सेक्रेटरिएट का यूपी, या बोल सकते हो सचिवालय की जो एक डिग्री है उसके साथ में, एक तो आपने पढ़ने लिखने की डिग्री होती है और एक के आपकी क्या होती है स्टेटस वाली जो डिग्री होती है, बाकी आपकी लाइफ में आपके सैलरी, आपकी कमाई, आपका हर चीज अलग जगह है। लेकिन जो एक बोल सकते हो ना कि जो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम सचिवालय में हैं या फिर हम समीक्षा अधिकारी हैं, वो सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। लगातार आप लोग पिछले 1 वर्ष से मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी तक शायद इस इंतजार में थे कि जब आएगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके और अपनी तैयारी पूर्ण कर लेंगे। और आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 साल पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे तो ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो 1 साल पहले से पढ़ाई करते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अब आपका 9/10/2023 का, इसका आज की तारीख 9 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आपके नवंबर के महीने 9 तारीख तक ही इसके फॉर्म जारी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 9/11/2023 है। बाकी सारी इतनी खबरें आप लोगों ने सुन लिया होगा, बट फिर भी जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो एज का होता है वो 21 से लेकर 40 साल का होता है। बाकी सारे रिलैक्सेशन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या जो फिर राज्य सरकार के अधीन है वो वैसे ही मिलते आते हैं, वैसे रिलैक्सेशन मिलते हैं। इसमें कोई भी बच्चा जो सिंपल ग्रेजुएट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहला प्रश्न होता है क्या सर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अभी आपको यह चिंता नहीं करना है कि मैं आरओ का भर रहा हूं कि एआरओ का भर रहा हूं। चिंता आपकी कहां से स्टार्ट होगी वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, पदों की संख्या। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था कि इस बार यूपीपीएससी में जो सबसे ज्यादा अधियाचित पद हैं वो किसके हैं, समीक्षा अधिकारी के हैं, ना कि सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। लेकिन जब से समकक्षता का विवाद स्पष्ट हुआ था, सबसे ज्यादा जो हो हल्ला हुआ था वो ये था कि सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर लीजिए, इसमें चांस बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों कि चांस इसमें कम है, चांस बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कुछ लूप होल है। ये है सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज के पद, जिसे आप देख सकते हो 40, 23, 13 और 1। और बाकी जो ये पद हैं आपके समीक्षा अधिकारी के। मतलब अगर देखा जाए तो 334 पद लगभग आपके किसके हैं, 411 पदों में 334 पद समीक्षा अधिकारी के हैं। और उसके बाद देखा जाए तो लगभग आपके 70-80 पद देखें तो किसमें हैं, आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। हर बार से ये डेटा बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहायक समीक्षा अधिकारी वाले अपने क्या करें, मोरल को डाउन कर लें। नहीं, पहली बात कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो या समीक्षा अधिकारी के लिए, दोनों के लिए आपको सिंगल फॉर्म भरना है। दूसरी बात ये कि आप एक ही पेपर दोगे, दोनों के लिए अलग अलग पेपर नहीं दोगे, एक ही पैटर्न रहेगा, एक ही प्रश्न पत्र रहेगा और उसमें पूछने वाले जो प्रश्न होंगे वो भी सेम रहेंगे, समान रहेंगे। मतलब आपको उसी परीक्षा में देके दोनों पद के लिए आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। अब आप जब सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की सोच रहे थे तो मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया था कि आप अपना टारगेट समीक्षा अधिकारी का बनाओ, ना कि सहायक समीक्षा अधिकारी का बनाओ। सहायक समीक्षा अधिकारी वालों में जब आपके पास क्या होता है, ओ लेवल होता है,
या ओ लेवल के समकक्ष होता है। समकक्षता पे मैं एक अलग से वीडियो फिर से बनवा दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लूप होल है। मैं आपको बातों बातों में इतना एक लाइन में बता देना चाहता हूं कि जो सचिवालय के पद हैं वहां पे समकक्षता तो है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद हैं या फिर बोल सकते हो कि जो राजस्व विभाग है इनके जो आरओ हैं इनमें समकक्षता की बात नहीं की गई है। तो केवल जो ओ लेवल या ओ लेवल की समकक्षता की बात है वो सचिवालय की बात है, लेकिन वहां पे अगर हम देखेंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी ये चारों अलग अलग क्या लिखा हुआ है, विभाग लिखा हुआ है, सचिवालय में 40 हैं, इन 40 पदों के लिए केवल क्या है समकक्षता है, बाकी ना इससे कोई मतलब है ना नीचे कोई मतलब है। इस बात को आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है जो आपको यहां पे गंभीरता से सुनना है बात। लेकिन आपके लिए 400 के 411 पद समीक्षा अधिकारी के लिए खुले हुए हैं। आप नो डाउट कि अगर आपके पास ओ लेवल या समकक्षता है तो थोड़ा सा आप इसमें भी पोजीशन बना सकते हो, अगर आपके पास वो नहीं है तो ये पद आपके बेकार हैं, फिर आप केवल किसके लिए हो, आप केवल समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म आपका वही रहेगा, ठीक है, ये बात आप समझते हुए चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब जब समीक्षा अधिकारी के पद सबसे ज्यादा है तो क्या सहायक समीक्षा अधिकारी के कम ही रह जाएंगे? नहीं, हमेशा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कहता है उसकी बात मैं बता दूं, और ये केवल आरओ परीक्षा ही नहीं, वो तमाम जितनी भी परीक्षा करवाती हैं, अभी हाल ही में एपीएस का विज्ञापन आया था उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म उसके आप लोग फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो, स्टेनो आता है तो। और यहाँ पे चाहे आरओ एआरओ की बात आए, यहाँ पे नोट करके दिया है क्या कि उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अर्हताओं के जिन पदों के अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के तक प्राप्त हो जाएंगे, मतलब कि अभी समझो कि आपका ये पेपर कब होगा, आपका पेपर कब होगा, आपका आज से फॉर्म फिलअप चालू हुआ है, एक महीना आपका फॉर्म चलेगा मतलब कि नवंबर तक, और अगर मैं बोलूं कि जो यूपीपीएससी का कैलेंडर आया था उसमें दिसंबर में एक डेट रिजर्व थी, नवंबर में लगभग दो डेट रिजर्व थी, तो ये अक्टूबर नवंबर तक तो फॉर्म ही चलेगा, मतलब नवंबर महीने में किसी तरह पेपर नहीं हो सकता। तो बचा आपका क्या दिसंबर का, एक 12 दिसंबर है या फिर 25 दिसंबर है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा समथिंग करके, उस दिन का जो डेट रिजर्व है उसमें भी ये परीक्षा नहीं होनी। तो ये परीक्षा कब होनी है, इस परीक्षा होने के सबसे ज्यादा जो चांस है वो आपका कौन सा है, फरवरी का महीना है। तो फरवरी के महीने में आपकी परीक्षा होगी और लगभग करीबन 2 से 3 महीने क्या होते हैं इसके रिजल्ट बनने में लग जाते हैं, मतलब फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो आप बोल सकते हो मई लास्ट या जून तक आपका क्या होगा रिजल्ट आएगा। तो अभी आपका चल रहा है अक्टूबर और जून तक देखा जाए तो 8 महीने शेष हैं, और इस 8 महीने में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद क्या हैं बढ़ने के सबसे ज्यादा चांस है, और इन्होंने बोला है कि व्यक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, घटी आज तक नहीं बढ़ी है केवल। तो ये अगर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद बढ़ जाएंगे तो याद रखना वो समीक्षा अधिकारी से दुगना रेशियो में बढ़ते हैं, और अगर ये 330-340 पद ये हैं तो कम से कम 400-450 पद अगर ईश्वर ने चाहा, जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी नहीं होता तो बात अलग है, बट जो चांसेस हैं उसकी बात मैं बोल रहा हूं, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी। और मैंने एक वीडियो आपको बनाया भी था कि इस बार शायद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी हो, क्योंकि ये विभाग पद अधियाचन करके भेजते रहते हैं। एक स्टेज में उन्होंने क्या किया, समीक्षा अधिकारी का भेजा, सहायक समीक्षा अधिकारी शायद कम रहे हों या फिर हो सकता है उनके पास आंकड़े ना आए हों या जो भी कोई बात रही हो, उनके पास अधियाचित पद सारे आए नहीं लेकिन आने बाकी हैं, और अगर आएंगे तो ये बहुत तेजी से बूम होगा। इस कारण से आप लोग चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी चाहे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप दोनों में आप टारगेट करो समीक्षा अधिकारी का, अगर समीक्षा अधिकारी के समकक्ष नंबर आ गया तो जाहिर सी बात है सहायक समीक्षा अधिकारी तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाओगे, क्लियर हो गई बात। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जब सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसका कट ऑफ ये भी हो सकता है कि समीक्षा अधिकारी से ज्यादा भी चला जाए। तो इसके लिए मत सोचो, आपके लिए क्या सोचना है, आपको अब वो समय नहीं रह गया कि समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ अगर 140 जाता था तो सहायक समीक्षा अधिकारी का 90 और 100 जाता था, मतलब 40-50 क्वेश्चन अंकों का फर्क होता था, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब आपका समय सहायक समीक्षा अधिकारी का भी ज्यादा चला जाता है। तो ये जरूरी बात थी जहां पे मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया, बाकी
नोटिफिकेशन में खास कुछ नहीं है। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या है सिलेबस, वो भी मैं बता दे रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक बार रिजर्व डेट की एग्जाम संभावित डेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इसी में मैं ये भी बता देता हूं कि एपीएस की परीक्षा में लोग बोल रहे हैं दिसंबर में हो जाएगा, एक चांस बनता है 19/12 है केवल ये डेट रिजर्व है एपीएस होने का, इसमें आरओ यारो तो बिल्कुल नहीं होगा और कम चांस है कि एपीएस भी हो, बट हो जाता है तो इसके लिए मैं आपको अलग से सूचना दूंगा। तो ये डेट आप देखते चलो, बाकी आपका फरवरी में होगा। मैं आपको ये बता देता हूं, हाँ पहली बात तो ये सूचना आप लोग समझ लीजिए कि टीम परीक्षा प्लस आपकी तैयारी के लिए, ऐसे बच्चे जो इसमें एक ड्रीम देखते आए हैं, आप लोगों के लिए अंतिम, क्योंकि फरवरी में अगर आपके पास परीक्षा होनी है तो आपके पास समय बच रहा है ये लगभग अक्टूबर में लगभग 15 दिन, जो भी बचा हो 20 दिन, ये है आपका अक्टूबर लगभग पूरा बचा हुआ है, ऐसे मत सोचिए, है ना। तो अक्टूबर आपका हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, 2.5 से 3 महीने आपका इधर बचा हुआ है और 2 महीने उधर बचा हुआ है, मतलब मिनिमम आपके पास 5 मंथ है। और अगर 5 मंथ आपके पास हैं तो दिन के हिसाब से ये होते हैं 150 दिन, और 150 दिन के लिए आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन में आपका सबसे ज्यादा जो पार्ट होगा 60 क्वेश्चन हिंदी, और यही आपका सिलेक्शन करवाता है, बाकी सब रैंक बनाते हैं, हिंदी आपका सिलेक्शन करवाता है। एक बात आप और समझ लीजिएगा, इसकी मैं अलग से स्ट्रेटजी भी आपको दूंगा, लेकिन वो जो 60 क्वेश्चन आपका हिंदी है वो लगभग सभी लोग करते हैं, तो इसी कारण से जो कट ऑफ होती है वो 200 नंबर में करीबन, इधर मैं लिखता हूं, 200 नंबर में जो कट ऑफ जाती है वो कितना जाती है, वो 140 के आसपास पहले जाती थी, और जब से निगेटिव मार्किंग आया है तब से आप देखोगे तो कितना जा रही है 125 के आसपास, लेकिन आप इस टारगेट को 130 लेके चलोगे कितने में से, 200 क्वेश्चन में से, तब आप जाके इस परीक्षा में सफल हो पाओगे, क्योंकि पहले की अपेक्षा इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा फॉर्म आवेदन होने वाले हैं इस बार, आपको पहले बता दूं, समकक्षता के कारण शायद फॉर्म और भी ज्यादा आ जाए, एआरओ में कंपटीशन और बढ़ जाए, तो कट ऑफ उसके ज्यादा जाने के आसार अभी से दिखने लग गए हैं। दूसरी बात, पहले रिसोर्सेस कम होते थे, अब लगभग सारी संस्थाएं इसकी तैयारी करवा रही हैं, ये भी किसी बात किसी से छुपी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो टीम परीक्षा प्लस बहुत ही मिनिमम फीस में 592 रुपये में, मतलब एक अनएक्सेप्शनल प्राइस में आपको टारगेट लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें सिलेबस के एक एक पार्ट आपके कवर होंगे, उसकी प्रैक्टिस होगी, उस पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, उसके टेस्ट होंगे, उसके नोट्स होंगे, मतलब कंप्लीट बैच है आपका ये 4 से 5 महीने के, आपके पेपर हो जाने तक हम ये एक एक चीज आपको रटा देंगे, इस बात की गारंटी मैं एक आश्वासन आपको दिला रहा हूं। और आप पहले भी मेरी बातों पर यकीन करते आए हो, एक बार फिर से आपको यकीन करने की जरूरत है, और मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए अगर कदमों पर चल लिए, हमारे द्वारा पता है जो मार्गदर्शन किया गया अगर उसे फॉलो कर लिए, तो यकीन मानिए भर्ती आपकी हो जाएगी। ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं होती, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज डाउट सेशन वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं इसके फीचर आपको दिखाऊं, एक आपका प्री प्लस मेंस का बैच पहले ही चल रहा था, अब हम प्री प्लस मेंस वाले बैच में इस वाले पार्ट को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इस वाले पार्ट को होल्ड करने के साथ साथ हम फोकस करेंगे टारगेट बैच को, और टारगेट बैच पे यहां पे फोकस करने की बात आती है, आपको बता दूं इसमें लाइव क्लासेस एक एक पार्ट की, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी क्लास के नोट्स जो आपको बोर्ड पे पढ़ाए जाते हैं उनके नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ही आपको 30 टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा। अब 30 टॉपिक टेस्ट कैसे दिया जाएगा मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें जो आपको किताबें दी जाएंगी आप ये देख सकते हो, ये सारी किताबें अलग अलग, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश विशेष, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पार्ट की किताबें दी जा रही हैं। और ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो हम 30 टॉपिक टेस्ट देंगे वो किस आधार पे आपको दे रहे हैं, आप सबसे पहले तो देखो कि आपका 6 टॉपिक तो आपका क्या है यहां पे है हिंदी में, और यहां पे अगर देखा जाए तो 10 टॉपिक है ना, 10 टॉपिक आपका जीएस में है, लेकिन इस 10 टॉपिक में सामान्य विज्ञान के 3 टॉपिक हैं, ऐसे भारतीय इतिहास के 3 टॉपिक हैं, ऐसे यहां पे देखा जाए तो भूगोल के 2 टॉपिक हैं, पर्यावरण का 1 टॉपिक है, सब मिला के एक एक टॉपिक को हम बहुत विधिवत तरीके से जो अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनका कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, और उस इसको लेके लगभग 30+ टॉपिक टेस्ट होंगे, और इसके अतिरिक्त 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपका कराया जाएगा, जिसमें आपका 60 हिंदी और बोल सकते हो कि 140 आपका जीएस दोनों कवर होगा। कहने का मतलब यहां पे जो संस्थाएं बोलती हैं वो आपको क्या करने के लिए, ठगने के लिए बोल सकते हैं, 20 टेस्ट लिखती हैं, मतलब 10 हिंदी और क्या बोलती हैं 10 जीएस,
तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 10 हिंदी और जीएस ही मिला के क्या होते हैं, ये कंप्लीट फुल लेंथ बनाते हैं। तो आपका टोटल 200 पेज का जो आपका 140 और 60 200 क्वेश्चन का जो आपका टेस्ट सीरीज होगा, मतलब कि 10 आपको कराया जाएगा जिसमें 20 10 हिंदी और 10 जीएस टोटल जिसे बोल सकते हो। सभी टेस्ट की व्याख्यात्मक हल की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 1000 प्लस जीएस एमसीक्यू पीडीएफ एड ऑन। अब हम ये क्या करने वाले, इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर आपको कोई पूछे कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित आरओ एआरओ निकालने का सर हमें तरीका बता दीजिए, बस मैं एक आप मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि सर मुझे बस 2 मिनट में समझा दीजिए कि आरओ एआरओ निकाल लें, हम क्या पढ़ लें कि निकाल लें, मैं आपको बस इतना बोलूंगा आप हिंदी अच्छे से पढ़ लो, आप करंट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, हिंदी पढ़ लो करंट अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र उठा लो और घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर लो, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर लो, ठीक है। अगर ये कर लेते हो तो ये गारंटीड है, ये घटना चक्र सारे सब्जेक्ट का, मतलब आप चाहे हिस्ट्री की बात करो, आप चाहे ज्योग्राफी की बात करो, आप चाहे पॉलिटी की बात करो, आप चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे साइंस की बात करो, या फिर मैं हिंदी की भी इसी में इंक्लूड कर लूं, ये सारे ही पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो, इसके अतिरिक्त करंट पढ़ लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। प्री आपका 100% प्री के लिए केवल इतने में क्वालिफाई हो जाओगे, आरओ के लिए कोई गाथा नहीं पढ़नी है, और जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आती वही प्री में वंचित रह जाता। आप सब कुछ भूल जाओ, जो फ्रेशर बच्चे उनको मैं बोल रहा हूं कि आप केवल इतना पढ़ लो अच्छे से, अगर इतना कर ले तो आपका प्री नहीं रुकेगा, फिर उसके बाद मेंस में क्योंकि थोड़ा सा पारंपरिक होता है उसकी स्ट्रेटजी, बाकी सारी चीजें सेम होती है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, और आपकी क्लासेस जो टारगेट बैच चलेंगी वो भी इसी आधार पर चलेंगी। शॉर्ट नोट्स आपका एक एक चीज कवर कराया जाएगा, और जो मैं आपको यहां पे बोला था 1000 जीएस एमसीक्यू 1000 हिंदी, ये घटना चक्र की क्वेश्चन आपको यहां पे क्या कराए जाएंगे, एक्स्ट्रा कराए जाएंगे, और वहां से जो अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बनते हैं, तो आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना है। 592 बहुत मिनिमम प्राइस होती है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी, नोट्स भी और लाइव क्लासेस भी मिल जाएं, और उम्मीद है कि ये आप किसी भी संस्था से जुड़े हो, आप एक बार इस ना कुछ कर पाओ, केवल ना क्लासेस देख पाओ, केवल नोट्स पढ़ लोगे और जितना मैं बताऊंगा, जितना मार्गदर्शन देगा उसे फॉलो कर लोगे, यकीन मानो प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा, और मेंस में आपको अतिरिक्त 6 से 7 महीना मिल जाएगा, जिसमें यहां की तैयारी आपकी 60-70% यही तैयारी काम आ जाएगी, 30% एक्स्ट्रा मेहनत और कर लोगे हमारे बताए हुए तरीके पे, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, आंसर राइटिंग सेशन कर लोगे, तो आपका मेंस भी सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, डीवी होके आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो उम्मीद है ये बहुत बढ़िया चांस आपके लिए, इसे आप गवाओगे नहीं। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए डेडिकेटेड बैच चलाती आ रही है और फिर से चला रही है। जिन बच्चों को इससे जुड़ना है वो और कुछ नहीं करें, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड किए हो तो आप कोर्सेज में जाओगे, यूपीपीएससी में जाओगे, आपको यहाँ पे तमाम कोर्सेज मिलेंगे। एपीएस का हमने कंप्यूटर स्पेशल भी चलाया था, 2.0 भी चलाया था, हजारों बच्चों ने इस पे ट्रस्ट किया, उनको मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी तैयारी भी उम्मीद है बहुत विधिवत तरीके से चल रही होगी। आरओ एआरओ का हमने प्रीकम में चलाया था, सैकड़ों बच्चे उसमें थे, उससे पहले भी हमने पिछले साल ही आरओ एआरओ का पुराना बैच था उसमें भी बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, और लगातार उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब ऐसे बच्चे जो पुराने कोर्स से भी जुड़े थे, और ऐसे बच्चे जो नए कोर्स जो अभी मतलब नए हैं, फ्रेशर हैं, जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन सबको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। जीएसटी वीएसटी लगाने के बाद भी 699 आपका पड़ेगा, 592 प्लस जीएसटी, जिसमें आपको सब कुछ मिलना है। आप केवल टेस्ट सीरीज किसी के यहाँ लेने जाओगे, 700-800 का कोई टेस्ट सीरीज नहीं, इससे कम में नहीं देगा, जबकि टीम परीक्षा प्लस आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस, स्पेशली टारगेटेड बैच है, टारगेटेड मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा, तो उसके सारे तौर तरीके अपनाए जाएंगे, साम दाम दंड भेद लगाया जाएगा। आप अगर एंड्रॉयड ऐप नहीं चलाते हो तो आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे भी जा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो live.parikshaplus.org, वहां से भी आप इसे क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको समस्या इसके अतिरिक्त है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे नंबर चले उन पर कॉल कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अब आरओ एआरओ का बहुत विधिवत तरीके से आपका यहाँ पे तैयारी कराई जानी है, और इसके रिगार्डिंग बैक टू बैक हम जितने भी सेशंस हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, आपके लिए जल्द से जल्द आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।